अब मैं चला आईपीएल का शेड्यूल याद करने। पिछले कुछ दिनों से लोगों के इंस्टाग्राम के स्टोरी और व्हाट्सएप के स्टेटस में पीला और नीला रंग कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। लगता है वो दिन आने ही वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोरोना वायरस को नजरअंदाज करते हुए आईपीएल फिर से 13वें सीजन के साथ वापस आ गया है। भला क्यों ना आए, इतना पैसा जो है इसमें, मेरा मतलब फेमस जो है सब कोई देखता है। तो चलो भाई आईपीएल 2020 बजाते हैं। आईपीएल जल्द ही शुरू होगी, ये 6 महीने से सुन रहा था। फाइनली वो दिन आ ही गया। आईपीएल में इस बार लोगों को जितना उत्साह अपने पसंदीदा टीम को खेलते देखने में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एमएस धोनी को मैदान में लौटते देखने का है। अगर एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ दुखी का माहौल भी बना हुआ है। मैं गरीब हूँ। अब आईपीएल फैंस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे बिना सब्सक्रिप्शन के इस साल आईपीएल नहीं देख सकते। आईपीएल की कुछ आइकॉनिक चीजें होती है, जैसे फिक्सिंग, मेरा मतलब चीयर लीडर। आईपीएल 2020 में चीयर लीडर तो होंगी, पर उनको देखने और फोटो क्लिक करने के लिए आईपीएल फैंस लिमिटेड होंगे। कुछ भी जो लड़कियां यह सोच रही थी कि आईपीएल में अपना ग्लैमर दिखा के रातों रात लाखों फॉलोअर बढ़ा लेंगे, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लगा लेंगे, ऐसा सोचते रहो, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आईपीएल का 13वां सीजन आ चला है, लेकिन आज भी आईपीएल पूरा करने का श्रेय सिर्फ 2 टीमों को जाता है, और वो है चेन्नई सुपर किंग तो दूसरा मुंबई इंडियंस। अगर आईपीएल की एड्स की बात करें तो यह आईपीएल का पहला सीजन होगा जिसमें सिर्फ शुद्ध देसी एड दिखने को मिलेगा। जब आईपीएल एड और स्टेडियम में बैठे दर्शकों के पैसों से चलता था, तब हम कंफ्यूज रहते थे कि आईपीएल देखे या एड्स। लेकिन आईपीएल 2020 जो सिर्फ एड से चलने वाला है, अब तो अलग ही मजा आएगा एड्स देखने में। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। जैसे जैसे अनएक्सपेक्टेड चीज 2020 में हो रहा है, क्या पता इस बार आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी जीत जाए। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। तो चलो भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब मारो यार, मार दो। अब मैं चला आईपीएल देखने।